सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर पर, जहां पर सावस्ती शासन ने सुनाया फरमान। यूपी टेट परीक्षा शुरू होने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक, परीक्षा निरस्त, बहे लोगों के अरमान। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईटी का पेपर लीक होने के बाद प्रथम पाली का एग्जाम दे रहे यूपी टेट अभ्यर्थियों का बीच परीक्षा में ही फरमान सुना दिया गया कि पेपर लीक होने के चलते दोनों पाली के परीक्षाओं को निरस्त कर दिया जाता है। एग्जाम दे रहे छात्रों को उस वक्त बड़ी निराशा हार लगी जब उनकी बरसों की मेहनत पर चंद सेकंडों में पानी फिर गया और उनके सालों के अरमान पेपर लीक होने के चलते एक पल में पानी की तरह बह गए। जहाँ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यूपी टेट का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल होने के बाद अलीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में यूपी टेट की परीक्षा को शासन का आदेश मिलने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर यूपी टेट की दोनों पाली की परीक्षा को निरस्त करते हुए शासन स्तर से फरमान सुना दिया गया। अभ्यर्थियों द्वारा यूपी टीटी का पेपर देते हुए ही बीच में परीक्षा निरस्त कर देने के चलते दूर दराज क्षेत्रों से पेपर देने पहुँचे अभ्यर्थियों के हाथों में एक बार फिर निराशा हाथ लगी। यूपी ईटी का एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार पेपर बहुत सरल था, ऐसे में अगर पेपर आउट नहीं होता तो परीक्षा दे रहे छात्र इस बार यूपी टेट में 90% सफलता जरूर हासिल कर लेते। लेकिन शासन स्तर से दोनों पाली की परीक्षा निरस्त करने के बाद यूपी टेट के अभ्यर्थियों को लालीपाप के नाम पर फीस नहीं जमा करने की बात कहते हुए अभ्यर्थियों के मुँह पर ताला लगा दिया गया। सावस्ती में रविवार को दोनों पाली में होने वाली यूपी टेट की परीक्षा को शासन के आदेश पर सावस्ती डीएम ने टीटी की परीक्षा को स्थगित कर दिया। जहां यूपी टीटी के परीक्षा रविवार को शुरू होने से पहले ही यूपी के सावस्ती समेत उत्तर प्रदेश के कई व्हाट्सएप ग्रुप पर यूपी टीटी का पेपर वायरल हुआ। वायरल होने के बाद परीक्षा एक महीने के बाद दोबारा आयोजित करने की बात कही गई। सावस्ती जनपद में कई स्थानों पर पूरी परीक्षा कराई गई तो कई स्थानों में बीच में ही पेपर को रोक दिया गया। इकौना के जगतजीत इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बाहर निकले परीक्षार्थियों को निराशा हाथ लगी और वो मायूस होकर अपने घरों की तरफ रवाना हुए। सावस्ती जिले में आज होने वाली टेट का परीक्षा देने पहुँचे छात्र छात्राओं और पुरुष महिलाओं को उस वक्त बड़ी निराशा हाथ लगी जब उन्हें पता चला कि पेपर लीक हो गया और पेपर कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। इस दौरान जाम की स्थिति भी बनी रही। जब पेपर छूटा तो जाम भी लग गया, जिसे पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए हटाया। सावस्ती जनपद के अलग अलग स्थानों की ये तस्वीरें, जहां पर आज यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। Thank you.
खराबत है कि बवाल ना हो, खाली यही ना थे ना, पेपर तो आउट हो गया, पेपर कैंसिल हो गया ना, पेपर कैंसिल हो गया ना, टाइट सुरक्षा व्यवस्था है लेकिन पेपर कैंसिल हो गया, बड़ी सांस है। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः एक महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। कुछ छात्रों द्वारा या कोई सिस्टम वाले इंसान ही रद्द करवाने की कोशिश किए हैं, भाजपा सरकार के खिलाफ ये लोग वो कर रहे हैं, इनकी चाल है भाजपा के खिलाफ। इससे छात्रों को क्या दिक्कत हुई? छात्रों को बहुत दिक्कत हुई है, छात्रों को इतना दिक्कत हुआ है कि वो कहाँ से भी आ रहे हैं, किस गांव से आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, आके बेचारे 9:30 बजे यहाँ की वो थी लिमिट थी कि यहाँ 9:30 बजे अंदर घुसना है, तो उसके लिए आदमी किसी को चोट लग गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तब भी 9:30 बजे यहाँ लोग पहुँचे हैं।